मध्य प्रदेश के भिंड नया गांव से अवैध खनन का मामला सामने आया है। माफियाओं ने पहले सिंध नदी से अवैध तरीके से रेत खनन किया और इसके बाद पोलकेन मशीन को सिंध नदी में उतारकर अंधाधुंध मात्रा में सिंध नदी से अवैध खनन किया। वहीं इस खबर से प्रशासन अभी तक बेखबर है। तो आपको बता दें, खबर है भिंड से, जहां पर की सिंध नदी में रेत का अवैध खनन जारी है। प्रशासन की अनदेखी के चलते अब खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। और भिंड से हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं आदित्य द्विवेदी। जी आदित्य, जिस तरीके से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, मशीन तक सिंध नदी में उतारी जा चुकी है, आखिर प्रशासन नींद से क्यों नहीं जाग रहा? जी आदित्य जी, जहाँ तक की बात है अवैध उत्खनन की, तो पूरे जिले में भारी मात्रा में अवैध उत्खनन चल रहा है जी। कहीं भी आप अगर सिंध नदी पर एक नजर मारेंगे ना, तो वहाँ हमेशा आपको खनन ही खनन दिखाई देगा। रेत माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं, ना तो उन्हें पुलिस का भय है, ना ही स्थानीय प्रशासन का। यहाँ तक कि स्थानीय मंत्री ने भी एक बार अपने बयान में कहा था कि अवैध उत्खनन पूर्णतः बंद होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तब यही कांग्रेस के नेता ज्ञापन देते थे स्थानीय प्रशासन को कि अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है। अब ये नेता कहाँ गए? अब ये ज्ञापन क्यों नहीं देते? बड़ा सवाल मध्य प्रदेश सरकार पर भी खड़ा होता है। जी बिल्कुल, ये तो बात रही कि सरकार पर सवाल खड़ा होता है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, क्या पहले लोगों की तरफ से किसी तरह की शिकायत प्रशासन से की गई है? आखिर प्रशासन की तरफ से किस तरह के जवाब दिए जाते हैं? प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थानीय राजनेताओं के दबाव है, इसीलिए प्रशासन भी कार्रवाई करने में हिचकिचाता है। कहीं भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। अगर कहीं ठोस कार्रवाई की जाए तो ये जहाँ तक है अवैध उत्खनन, कहीं ना कहीं इस पे प्रतिबंध लगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर है भिंड से, जहां पर कि अवैध खनन का मामला सामने आया है। अवैध खनन पर लगातार लोगों ने शिकायतें की है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं लोगों की तरफ से बताया यही जाता है कि अवैध खनन का जो माफिया है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं इन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया गया है, जिसके चलते इन पर कार्रवाई नहीं की जाती।